All right guys, welcome back to another video of Blockchain Miners. तो गाइज लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है, क्या होते हैं ब्लॉक रिवॉर्ड्स और क्या होती है इसकी पूरी प्रोसेस, सोलो माइनिंग हो गया, पूल माइनिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करी थी। मैं शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ गाइज, तो क्रिप्टो करेंसीज आर इन अ डिसेंट्रलाइज नेचर, ठीक है। तो उसके लिए माइनिंग करने के लिए हम लोग को हार्डवेयर, स्पेशलाइज हार्डवेयर रन करने पड़ते हैं जो कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की नोड से अपने आप को कनेक्ट करता है, उसके ट्रांजेक्शन फिर आपकी मशीन्स के थ्रू वैलिडेट होते हैं एंड उस वैलिडेशन का आपको इन रिटर्न मिलता है ब्लॉक रिवॉर्ड जो कि नथिंग बट उस सेम क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के फॉर्म में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहता है। तो ये है गाइज बेसिक प्रोसेस ऑफ माइनिंग। अब इसमें गाइज टू चूज एन एफिशिएंट माइनर, तो आपको अपने माइनर चूज करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है गाइज, बने रहिए एंड तक। एंड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए एक बढ़िया और बेस्ट बिटकॉइन माइनर या कोई भी माइनर चूज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो नंबर वन रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले हम लोग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग को चेक करना होता है कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, क्योंकि ये जो मशीन्स होती हैं ये रन करती हैं काफ़ी हाई पावर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो श्योर है कि आपका बिजली का बिल तो यार बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है, बट देन नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी पड़ रही है पर यूनिट, ठीक है। सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग का बजट कितना है, तो गाइज हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का क्या 1 लाख बजट है या फिर हम लोग का 5 लाख या 10 लाख। तो गाइज इसमें कुछ रियलिटीज़ हैं अबाउट क्रिप्टो माइनिंग। अगर आपकी पावर फ्री है या फिर पावर चीप है, बहुत सारे लोगों के पास में एक्सेस होता है टू चीप पावर और फ्री पावर, या फिर सोलर लगाते हैं लोग या फिर प्रॉब्ली सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। तो गाइज एसिक माइनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो एसिक माइनर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका पावर कंजम्पशन जो कि काफ़ी हाई रहता है। तो एसिक माइनर्स में 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला उसकी एल्गोरिदम, क्या वो SHA-256 का है, क्या वो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का है, ये सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिसपे पर्टिकुलर कॉइन्स होते हैं जो हम लोग माइन करते हैं एंड उससे हम लोग को रिवॉर्ड्स मिलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सेकेंडली होता है पावर कंजम्पशन इसका, ठीक है। एंड थर्ड होता है हैश रेट। हैश रेट इज नथिंग बट जो कंप्यूटेशनल पावर या स्पीड होती है आपके पर्टिकुलर माइनर की, उसको हम लोग हैश रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों को माइनर चूज कैसे करना है, हाउ टू चूज एन एफिशिएंट या फिर मोस्ट रिलायबल या फास्ट ROI वाला माइनर, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को देखना है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या पड़ रही है। इफ़ यू हैव एक्सेस टू चीप और पॉसिबली फ्री पावर, देन आपके लिए बिटकॉइन माइनिंग सबसे बढ़िया है, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग बहुत ही स्टेबल रिटर्न्स देते हैं लॉन्ग टर्म में एंड वो काफ़ी रिलायबल है। बिटकॉइन इज नंबर वन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, तो वो काफ़ी रिलायबल हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास में चीप पावर नहीं है, देन यू हैव टू इंक्रीज योर बजट, तो आपको पैसे ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे एक अच्छा और एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट एसिक माइनर परचेज करने के लिए, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बजट की बात करें तो बिटकॉइन माइनर तो ऑलमोस्ट 1 लाख के अंदर में भी स्टार्ट हो जाता है एंड इसके जो अभी रिटर्न चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटमेन का एंट माइनर S19 90 टेराहैश है, 95 टेराहैश है, 100 टेराहैश है, ये जो टेराहैश है यही हैश रेट होती है, ठीक है। तो 90 टेराहैश में इस समय ऑलमोस्ट 9000 का रेवेन्यू आ रहा है एंड 95 में अगर बात करो तो 95 टेराहैश में 9500, ठीक है गाइस। अभी मार्केट में एक नया माइनर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है S19 Pro++ 125 टेराहैश। ये नया माइनर लॉन्च हुआ है गाइस एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस है मार्केट में एंड ये जनरेट कर रहा है ऑलमोस्ट 12,500 पर मंथ। ये सारी कैलकुलेशन पर मंथ के हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर आप बिटकॉइन माइनर लगाते हो तो आपका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 10% के राउंड आ रहा है एंड ये जितनी भी फिगर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला है, ये बिटकॉइन की करंट प्राइस के हिसाब से है। अगर यहाँ से बिटकॉइन 50 लाख से 1 CR जाता है तो ये आपके रेवेन्यूज भी कहीं ना कहीं डबल हो जाएंगे एंड जो आपने बिटकॉइन माइन किया हुआ है ऑब्वियसली उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये है बिटकॉइन माइनिंग। सेकेंडली आता है हमारा स्क्रिप्ट एल्गोरिदम जो कि सबसे पॉपुलर है आफ्टर बिटकॉइन एंड ये भी बहुत रिलायबल है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि इसका बजट काफ़ी हाई जाता है। जैसे अगर आप बात करो बिटमेन का एंट माइनर L7 9050 या 9500 MHS, ये जो माइनर है ये काफ़ी रिनाउंड माइनर है स्क्रिप्ट एल्गोरिदम में एंड बहुत स्टेबल है गाइज, ये सुपर स्टेबल माइनर है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है आपको 5 लाख या 6 लाख बजट में, तब ये इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। इसके जो रिवॉर्ड्स या इसका जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी डिसेंट है इस समय गाइज, ऑलमोस्ट L7 40,000 के अराउंड इंडियन रुपीज़ में रेवेन्यू आपको जनरेट कर रहा है इन द नेटिव क्रिप्टो टोकन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास में बजट है। और इसमें अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो इसमें भी ऑलमोस्ट अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, आप देख लो 8% के आसपास इसमें भी रिटर्न्स मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, ठीक है। बट हम लोग को दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर एसिक माइनर अराउंड 3000 से 3500 वॉट्स के बीच में पावर कंज्यूम करता है, जो कि मतलब हो गया जिसमें ऑलमोस्ट आपका 70 से 80 यूनिट
पर डे के हिसाब से आ गया, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि अगर आपके 7 रुपए से इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो आपका ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास बिल आएगा, ठीक है। तो अगर आप स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का L7 में जाते हो तब कहीं ना कहीं आपका जो मंथली सेविंग्स होगा वो 25,000 के अराउंड होगा, जो कि 5% है। तो गाइज मोटा मोटा आप ये समझ लो कि अगर आप बिटकॉइन माइनर लगाते हो एंड आपकी पावर फ्री है या चीप है तब आप 10% तक रेवेन्यू कर सकते हो और प्रॉफिट भी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पेड है तब आपको कहीं ना कहीं 5% के आसपास रिटर्न्स मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है गाइज। अगर आप एक साल का कैलकुलेट करो तो बिटकॉइन माइनर्स में आपको हो सकता है एक साल भर के अंदर ROI आ जाए। तो इफ यू आर गेटिंग 100% ऑफ द गेन्स इन जस्ट 1 ईयर, दैट्स अ गुड थिंग टू डू, राइट। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सेंस आ रहा होगा इस वीडियो को देख करके। तो गाइज ये रही चीजें जैसे कि आप चूज कर सकते हैं, और बहुत सारी एल्गोरिदम्स आती हैं गाइज, आजकल बहुत फेमस चल रही है कैस्पा, बहुत फेमस है के हैवी एश एल्गोरिदम, एंड एलिफियम बहुत फेमस चल रहा है, ये सब नए आए हैं। एंड अभी आपने देखा होगा एक नया माइनर भी लॉन्च हुआ है विच इज ऑन रेडियंट कॉइन। तो रेडियंट की ब्लॉकचेन को माइन करने के लिए भी ऐसे एक माइनर्स अब बाहर आ चुके हैं। तो बट कहीं ना कहीं गाइज ये सारे जो माइनर्स हैं जो कि ऑल्ट कॉइन्स पे रन करते हैं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है। सो गाइज मेक श्योर टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी माइनर्स एंड स्पेशली द वॉलेटाइल वंस। तो गाइज लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड यहीं तक रखते हैं गाइज। See you guys in the next content and the next video. अगर आपको कोई doubts हैं या clarifications हैं तो do reach out to us on this WhatsApp number, या फिर guys you can visit our website mbminus.com. Guys जल्दी से बताओ comment करके कि next video आप कौन सी topic पे देखना चाहते हो, ठीक है। And do reach out to us यार, कोई भी doubts हो don't hesitate, just reach out to us. Our team will definitely help you out to choose the best ASIC miner which suits you and your budget and which is profit friendly and the best ROI. ठीक है guys? यही तक रखते हैं। कीप माइनिंग, कीप होल्डिंग, माइन बेटर माइन स्ट्रॉन्ग गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट कंटेंट।